तो गाइस YouTube की तरफ से बहुत ही बिग लेवल पे अपडेट आ चुकी है ओबी स्ट्राइक से रिलेटेड। जी हाँ गाइस, आपने 100% सही सुना। अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर गाइस यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या फिर गाइस आपके चैनल पर स्ट्राइक आया है, या फिर गाइस आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं आया है, या फिर वार्निंग स्ट्राइक आया है, जो भी है आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि गाइस स्ट्राइक से रिलेटेड बहुत ही बिग लेवल पे अपडेट आ चुकी है। क्योंकि गाइस आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि गाइस जब हमारे चैनल पर या फिर आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक आती है तो गाइस वहां पे 7 दिन के लिए आपका अपलोडिंग वगैरह सारा चीज बंद हो जाता है। ठीक है, तो गाइस YouTube की तरफ से 2 अपडेट आया है स्ट्राइक से रिलेटेड, जो भी आपको जानना जरूरी है, और वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन के स्ट्राइक से यहां पे अपडेट आया है। ठीक है, तो गाइस कौन कौन सा अपडेट आया है, चलिए आपको वीडियो को शुरू करते हैं, देन उसके बाद बताते हैं वन बाय वन करके। और गाइस थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि गाइस जो भी सजाया है अपडेट वो डीपली हम समझाने वाले हैं कि कौन सा अपडेट आया है गाइस। तो गाइस आप सबको से पता है गाइस कि हमारे जब नया चैनल रहता है या फिर आपके नया चैनल है, तो गाइस उस पे अगर आप कोई भी गलती करते हैं जो YouTube के खिलाफ होता है, तो उस पे गाइस यहां पे वार्निंग स्ट्राइक आती है। यानी कि गाइस वो वार्निंग स्ट्राइक जब आती है, यहां पे लाइव देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के वार्निंग स्ट्राइक आएगी आपके चैनल पर, कितने चैनल पर होंगे, कितने लोगों के चैनल पर होंगे या फिर कितने लोगों के चैनल पर नहीं होंगे। ठीक है, तो गाइस जब आप कोई भी गलती करते हैं अपने फर्स्ट YouTube चैनल पे, जिससे आपके चैनल पे स्ट्राइक जो आती है वो स्ट्राइक यहां पे वार्निंग के रूप में होती है, यानी कि उससे आपका चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट कर देता है YouTube के, आप इस तरह के आप कंटेंट को नहीं अपलोड कीजिए, नहीं तो आपके चैनल पर मैं स्ट्राइक दे दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार के लाइव देख पा रहे होंगे, जब आपके नया चैनल आता है तो गाइस ये स्ट्राइक आपके यहाँ पे रिमूव नहीं होता है, वो हमेशा के लिए रह जाता है जो आपको यहाँ पे YouTube देता है। लेकिन गाइस इस अपडेट के कारण, जो अभी अपडेट आया है, इस अपडेट के कारण गाइस इस यहाँ पे जो वार्निंग स्ट्राइक के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये हटा कैसे सकते हैं, सारा चीज प्रोसेस आपको वीडियो के अंदर में आपको देखने को मिल रही है, और गाइस ये कैसे हटेगा और किस टाइप के गाइस यहां पे आपका जो स्ट्राइक आएगी वो किस तरह से यहां पे हटेगी, सारा का सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो ये गाइस आपका यहां पे अपडेट नंबर 1 में ये है कि गाइस इसको हटा सकते हैं। उसके लिए गाइस आपको एक स्कूल टाइप का गाइस यहां पे फॉर्म भरवाएगा, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का, देन उसके बाद गाइस ये 90 डे के अंदर गाइस यहां पे इसको रिमूव कर सकते हैं बहुत ही इजीली से 90 डे के अंदर। ठीक है, और गाइस ये कैसे रिमूव होगा सारा का सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट अपडेट में बता रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा। अपडेट नंबर 2, ये जो गाइस आपको स्ट्राइक है गाइस, वो सभी स्ट्राइक यहां पे आपका नहीं हटेंगे। जी हां गाइस, आपने 100% सही सुना, जब आप कोई गलती करते हैं एकदम अपना नया चैनल पर, तो गाइस पहली स्ट्राइक को आप यहां पे हटा लेंगे। लेकिन गाइस अगर आप बार-बार इसी तरह से गलती करते हैं, तो गाइस ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, स्ट्राइक भी गाइस यहां पे बहुत ज्यादा अलग-अलग टाइप के होते हैं। यानी कि गाइस आप जब कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है आपके चैनल पर, तो गाइस कम्युनिटी गाइडलाइंस भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्राइक होते हैं, मान लेते हैं ए बी सी डी जो भी मान लेते हैं, तो गाइस अलग अलग मान लेते हैं ए बी सी डी। अब गाइस यहां पे आप अपने चैनल पे कोई फर्स्ट गलती करते हैं, तो गाइस मान लेते हैं कि ए नंबर वाला आपके चैनल पर कॉमेडी गाइडलाइंस स्ट्राइक आया। ठीक है, लेकिन गाइस फिर से आपके चैनल पर वही आपका ए नंबर वाला फिर से आपका कोई भी गलती करते हैं और फिर से ए नंबर वाला आपके कॉमेडी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गया, तो गाइस वो जो है आपका 90 डे के अंदर में नहीं हटेगा। जी हां गाइस, आपने 100% सही सुना, अगर फिर से आप गलती करते हैं और ए वाला पहला आया है, पहले बार ए वाला आया है, फिर दूसरा का गाइस आपका बी वाला आ जाता है, तो गाइस आप उस वहां पे जो स्ट्राइक का आपको दिख रहा है गाइस उसको आप हटा सकते हैं बहुत ही इजीली से। और गाइस इसी तरह से सी वाला आ गया फिर भी हटा सकते हैं, डी वाला आ गया फिर भी हटा सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपका फिर से ए वाला आ गया, यानी कि फिर से बार-बार ए वाला आ रहा है, तो गाइस आपका कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक को काउंट होगा, ना कि आपका वो हटेगा। ठीक है, यानी कि गाइस अगर फिर से ए आ गया तो वो काउंट होने लगेगा, यानी कि आपका अपलोडिंग जो है वो बंद हो जाएगा 7 दिन के लिए। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आपका जो कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक का जो ये अपडेट है, इस प्रकार से अपडेट आया है। यानी कि गाइस सिंपल भाषा में आपको हम समझाएं, तो गाइस ये जो स्ट्राइक है, आप अगर एक ही टाइप का स्ट्राइक आता है तो नहीं हटा सकते हैं, और अलग अलग टाइप के कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक अगर आते रहता है 90 डे के अंदर में, अगर गाइस एक बार आ गया तो उसको बहुत इजीली से हटा सकते हैं, दूसरा का आ गया तो गाइस उसको हटा नहीं सकते, अगर एक ही टाइप का आ गया और अलग टाइप का आ गया तो उसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस आपको फाइनल रिजल्ट बताए, तो गाइस ये जो आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे स्ट्राइक का जो आपको यहाँ पे एक धब्बा दिख रहा है, धब्बा टाइप का, इसको गाइस बहुत इजीली से आप हटा सकते हैं इस अपडेट के कारण। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो आपको आज नहीं तो कल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करके बहुत ही इजीली से गाइस ये ही 2 अपडेट था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। इसी तरह का फ्यूचर में और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्त।